मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ेंगे C9। C9 के अंतर्गत आपका पेपर हो जाएगा अधिगम के लिए आंकलन, बीएड सेकेंड ईयर का ये है, जो कि यूनिट होगा 3। आपका टॉपिक क्या होगा, आज का जो टॉपिक होगा वैधता, जो मेरा लेक्चर संख्या होगा 6। जैसे कि मैंने आप लोगों को कल बताया था आंकलन के उपकरण यानी ऑब्जर्वेशन के बहुत सारे उपकरण को मैंने बतलाया था, वैसे आज मैं आप लोगों को बताऊंगा वैधता यानी वैलिडिटी के बारे में। वैधता क्या है, वैधता का अर्थ, वैधता का परिभाषा। तो चलिए पहले हम लोग देखते हैं कि वैधता क्या है। तो देखिए वैधता क्या कहता है, परीक्षण का निर्माण किसी ना किसी उद्देश्य के दृष्टि में रखकर किया जाता है, यानी कि जो भी परीक्षा होती है चाहे वो किसी लेवल की हो उसका कोई उद्देश्य होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं बिना उद्देश्य के हमारा कोई कार्य पूर्ण रूप से सफल नहीं होता है। तो ठीक उसी प्रकार अगर शिक्षण की क्रिया में चलते हैं तो जो परीक्षण का जब निर्माण होता है, चाहे वो विद्यालय में हो, कॉलेज में हो, महाविद्यालय में हो, कहीं भी होता है, तो उसका एक उद्देश्य होता है। तो परीक्षण का निर्माण किसी ना किसी उद्देश्य को दृष्टि में रखकर किया जाता है। कोई परीक्षण इस उद्देश्य को जिस सीमा तक सफलतापूर्वक मापता है वह उसी सीमा तक वैध होता है, यानी कि जब परीक्षण का निर्माण होता है उद्देश्य का, तो इस उद्देश्य के अंतर्गत इस परीक्षा को जिस सफलता के अंतर्गत मापा जाता है वह उसका क्या कहलाता है, वैध कहलाता है, यानी कि वह वैध होता है। आगे क्या कहता है, परीक्षण वैधता परीक्षण उद्देश्य से घनिष्ठ रूप से संबंधित होता है, यानी कि देखिए परीक्षण की जो वैधता और जो परीक्षण का जो उद्देश्य होता है क्या होता है, दोनों के बीच में एक घनिष्ठ संबंध होता है। अतः जितनी शुद्धता और सार्थकता से कोई परीक्षण किसी उद्देश्य का मापन करता है, यहाँ पर कहता है अतः जितनी शुद्धता से, यानी कि जितने अच्छे प्रकार से आपका परीक्षण हो और उसके उद्देश्य होता है, तो उसका मापन उतना ही अच्छा होगा। तो मापन करता है उतना ही वह परीक्षण क्या होता है, वैध होता है, यानी कि वह परीक्षण उतना ही परीक्षण सफल होता है, वहां पर कहता है। अतः इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वैधता का अर्थ, अब बताते हैं वैधता का मीनिंग, वह कार्य कुशलता से जिसमें कोई परीक्षण उस तथ्य का मापन करता है जिसके लिए वह बनाया गया है। यहां पर कहता है वैधता का अर्थ यानी कि वह कार्य कुशलता पूर्वक यानी कि खुशी अपने अंतर्गत वह कार्य कुशलता से जिससे कोई परीक्षण उस तथ्य तक मापन करता है, यानी कि उसकी एक तथ्य यानी कि जहां तक उसकी वैलिडिटी हो गई, जहां तक उसका मापन करता है वह उसके लिए बनाया गया है, और यही क्या कहलाता है, वैधता कहलाता है। तो यह हमारी थी वैधता के बारे में। अब हम लोग देखते हैं वैधता की परिभाषा को। तो अगर वैधता की परिभाषा की बात करते हैं तो हम लोग देखते क्या है कि हमारे बहुत से महापुरुषों ने, महान विद्वानों ने निम्न प्रकार से अपने अपने शब्दों में वैधता को परिभाषित किए हैं। तो चलते हैं देखते हैं कौन किसने क्या बोला है। तो अगर चलते हैं चैपलिन क्या कहते हैं वैधता की परिभाषा, अपने अर्थ अपने शब्दों में वो क्या देते हैं, इसका डिफिनेशन क्या देते हैं। तो कहते हैं वैधता किसी मापन यंत्र का वह गुण है जिसमें वह उसी चीज का मापन करता है जिसमें मापन उसका उद्देश्य है, यानी कि ये चैपलिन कहते हैं जो वैधता है किसी मापन यंत्र का वह गुण है, यानी कि कोई भी वह गुण किसी चीज को मापने का वह गुण है जिसमें वह उसी चीज का मापन करता है, यानी कि वही चीज का मापन करता है जिसमें उसका उद्देश्य क्या होता है, का निर्माण होता है। ये चैपलिन के अनुसार होता है। अगर दूसरा में अगर देखते हैं क्रोनबैक के अनुसार, तो क्रोनबैक क्या कहते हैं, किसी परीक्षण की वैधता उसकी वह सीमा है जिस सीमा तक वह उसी को मापता है जिसके लिए उसका निर्माण किया गया। देखिए क्रोनबैक क्या कहते हैं, क्रोनबैक कहते हैं कि कोई भी परीक्षा हो उसकी वैधता उस वही सीमा तक होती है, यानी कि एक लेवल तक, एक इक्वालिटी तक होती है जिस सीमा तक उसे क्या किया गया है, मापने के लिए बनाया गया है या उसका निर्माण करने के लिए बनाया गया है। गैरेट क्या कहते हैं, गैरेट कहते हैं कि किसी परीक्षण या मापन उपकरण की वैधता इस बात पर निर्भर करती है कि किस शुद्धता से उस गुण का मापन करता है जिसके लिए उसे बनाया गया। देखिए गैरेट यानी
कॉन्ग्रेग और गैरेट का लगभग जो डिफिनेशन है, परिभाषा है, क्या है, सेम हो जाती है। थोड़ा सा चैपलिन में, यहाँ पर चैपलिन जो है उनमें थोड़ा सा अंतर क्या हो जाता है कि ये कहते हैं कि वैधता एक मापन यंत्र है जिसमें गुण और मापन दोनों क्या होता है, मापने के लिए उसका उद्देश्य के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अतः हम देखते हैं कि देखिए अभी हमने जो भी परिभाषा बताए उससे क्या स्पष्ट होता है वैधता के बारे में, उससे यही स्पष्ट होता है, जो भी हमने परिभाषाएं बताएं उससे क्या स्पष्ट होता है, तो यही होता है कि देखिए वैधता गुणांक एक प्रकार का सहसंबंध गुणांक है, यानी कि जो वैधता जो गुणांक होता है, वैधता की जो गुणांक है, एक सहसंबंध, यानी सहसंबंध यानी क्या गया, एक दूसरे पर आश्रित, यानी उद्देश्य और विधि दोनों पर आश्रित हो जाता है, यानी कि दोनों क्या एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। दूसरा कहता है यह सहसंबंध गुणांक परीक्षण एवं किसी कसौटी के बीच निकलता है, यानी कि देखिए कहता है यह संबंध कौन संबंध, यानी वैधता का जो सहसंबंध होता है यह किसी परीक्षण एवं उसकी कसौटी के बीच निकलता है। दूसरा इससे यानी कि जो भी हमने परिभाषा बताएं उससे क्या आपको प्राप्त हो रही है, उसका क्या निष्कर्ष निकल रहा है, मैं उस चीज़ को बता रहा हूँ। तीसरा कहता है वैधता ही साथकर्ता, वैधता की साथकर्ता इस बात पर निर्भर करती है, निर्भर होती है कि कितनी सावधानी और शुद्धता से कसौटी का चयन किया गया है, यानी कि देखिए वैधता यानी कि इसी के अंतर्गत ये बात निर्भर होता है, वैधता की साथकर्ता से यह निर्भर होता है कि कितनी शुद्धता से, अगर मान लीजिए परीक्षा लिया गया तो जो परीक्षा लिया गया तो वो कितना कितने शुद्धता से उसको लिया गया, उसका चयन कितने शुद्धता से हुए, उसको जांचा कितने अच्छे से किया गया, यानी कि वो कहता है। तीसरा चौथा कहता है आपका वैधता गुणांक ही यह मान बताता है कि, वैधता गुणांक की यह मान बताता है कि किस सीमा तक कोई परीक्षक उस गुण का मापन करता है जिसके लिए वह बनाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या कहता है, वैधता गुणांक का मान सदैव घनात्मक होना चाहिए, देखिए वैधता में अगर गुणांक का अगर मान देखते हैं मान तो क्या होना चाहिए, हमेशा घनात्मक होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं तो ये थी हमारी वैधता की परिभाषा और जो हम परिभाषा बताए परिभाषा से क्या क्या निष्कर्ष निकलता है। अब हम लोग देखेंगे वैधता को प्रभावित करने वाले कारक, तो देखिए जहाँ तक हम जानते हैं हम सभी लोग पढ़ा कि वैधता को प्रभावित करने वाले मुख्यतः पांच ही कारक होते हैं, जिसके अंतर्गत पहला आता है स्वयं परीक्षण के कारक, ये मैं सारे चीज़ को आपको डील कर बताऊंगा। तो पहला होता है स्वयं परीक्षण के कारक, दूसरा कहता है कार्यशील विषय वस्तु एवं शिक्षण विधि, तीसरा कहता है परीक्षण प्रशासन एवं प्राप्तांक के लिए के कारक, चौथा कहता है छात्रों के प्रतियोगिता के कारक, और पांचवा कहता है समूह और कसौटी की प्रकृति। तो ये आपका जो पांच जो कारक है ये क्या है, वैधता को प्रभावित करते हैं। तो हम वैधता के प्रभावित करने वाले कारक की बात कर रहे थे तो पांच थे, तो जिसके अंतर्गत पहला हमने बताया था स्वयं परीक्षण के कारक। देखिए स्वयं परीक्षण के कारक से हमारा क्या तात्पर्य, देखिए विद्यालय में परीक्षाएं होती रहती है, जब परीक्षाएं होती हैं तो उन परीक्षाओं के अंतर्गत बहुत ऐसे सामग्री की जरूरत पड़ती है, क्यों पड़ती है, ताकि इसे शिक्षण की प्रक्रिया पूर्ण रूप से यानी कि परीक्षण की प्रक्रिया ठीक रूप से हो सके, और इसके द्वारा क्या होता है यह जो कार्य होता है यानी कि स्वयं परीक्षण के जो कारक के अंतर्गत जो सामग्री की जरूरत होती है वो किसके द्वारा होता है, शिक्षक के द्वारा मापा जाता है या शिक्षक के द्वारा तैयार किया जाता है। देखिए क्या कहता है स्वयं परीक्षण के कारक के अंतर्गत, प्रत्येक परीक्षा में कई परीक्षण जांच सामग्री होती है, यानी कि कोई परीक्षा भी होता है ना उसमें परीक्षण जांच सामग्री होती है, जिससे विषय वस्तु यानी कि किस विषय से लिया गया है वही विषय वस्तु और मानसिक कार्य को शिक्षक द्वारा मापा जाता है, यानी कि विषय वस्तु पूरी तरह से है कि नहीं, यानी कि मानसिक कार्य से मापा जाता है, यानी कि शिक्षक सोच समझ कर उसका क्या करते हैं प्रयोग करते हैं या उस चीज़ को उपलब्ध करते हैं या करवाते हैं। अनेक ऐसे कारक स्वयं परीक्षण में विद्यमान होते हैं, बहुत ऐसे कारक होते हैं जो इस प्रकार के परीक्षण में क्या होते हैं विद्यमान होते हैं, जो विभिन्न पदों के कार्य को प्रभावित करते हैं, और कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि जब यह चीज़ यानी कि कुछ ऐसे जो क्या कह देता है सामग्री अगर उपलब्ध नहीं हो पाती है तो क्या करती है यह परीक्षण में बाधा पहुँचाती है, बाधा पहुँचाती है जिससे परीक्षण का वैधता कम हो जाती है। जैसे अब देखिए अब क्या वाला पहुंचाती है, जैसे अस्पष्ट निर्देशन, मान लीजिए कि अगर प्रश्न छात्रों को दिया गया है लेकिन
उसमें पूर्ण रूप से निर्देश नहीं दिया गया तो क्या करता है, वह छात्रों के बीच हलचल मचा देता है, जिससे क्या होता है हमारी परीक्षा वैध होने की संभावना रहती है। दूसरा कहता है प्रश्नों की भाषा। अब देखिए, अगर प्रश्न का अगर निर्माण किया जा रहा है शिक्षक के द्वारा, तो प्रश्न का भाषा ऐसा होना चाहिए जो कि छात्र उसको आसानी से समझ सके। अब भाषा ही नहीं समझेंगे तो क्या लिख पाएंगे, जब लिख नहीं पाएंगे तो क्या होगा परीक्षा में, जाहिर सी बात है क्या होगा, परीक्षा बाधित होगी। तीसरा कहता है प्रश्न का स्तर कठिनता। अब देखिए प्रश्न का स्तर जो कठिनता, ये मुख्य चीज होता है, क्योंकि देखिए शिक्षक को यह ध्यान में रखकर प्रश्न का निर्माण करना चाहिए या करवाते हैं या किसी से जिसे भी करवाते हैं कि वह प्रश्न ज़्यादा कठिन ना हो या ज़्यादा ईजी ना हो। अगर ज़्यादा कठिन हो जाता है तो क्या करते हैं, छात्र डर जाते हैं, वो समझ नहीं पाते हैं कि किस प्रश्न का उत्तर कैसे लिखें, तो उसमें क्या हो सकती है, उसमें आपका परीक्षा की परीक्षा बाधित हो सकता है। अत्यधिक छोटा परीक्षण, हम मान लीजिए कि अब छोटा भी परीक्षा नहीं लेना चाहिए। अब जैसे कि मान लीजिए कि छात्र शिक्षक द्वारा कोई प्रश्न दे दिया गया छात्रों को, और जो प्रश्न दे दिया गया उनको बताया गया 5 मिनट में बनाइए, तो उसमें क्या होती है, परीक्षा आपकी बाधित हो सकती है। तो वैसा भी नहीं होना चाहिए, यानी कि एक टाइम फिक्स होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि ना ही शिक्षक को दिक्कत हो, यानी कि ना शिक्षक को परीक्षा लेने में दिक्कत हो ना छात्रों को परीक्षा देने में दिक्कत हो। नेक्स्ट कहता है उत्तरों की विधि की पहचान। उत्तरों की विधि की पहचान के अंतर्गत देखिए, कभी कभी हम लोग क्या होता है, छात्र प्रश्नों का उत्तर एक विधि के क्रम में देते हैं, एक क्रमानुसार देते हैं। अब क्रमानुसार देने के बाद से क्या हो जाता है, कभी कभी ये देखा जाता है कि बहुत ऐसे छात्र जो होते हैं ना कि प्रश्न का उत्तर सही लिखते हैं लेकिन उसमें एक क्रमता नहीं देते, जिससे क्या हो जाता है उनकी परीक्षा वैध हो जाती है, यानी कि वो सही कर कर भी गलत हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें क्रमता नहीं रहती है। तो पहला हो जाता है स्वयं परीक्षण के कारण। दूसरा कहता है कार्यशील विषय वस्तु और शिक्षण पद्धति। तो कार्यशील विषय वस्तु शिक्षण पद्धति के अंतर्गत क्या कहता है, निष्पत्ति परीक्षा में परीक्षण पदों की कार्यशील विषय वस्तु केवल अवकाश और परीक्षण की विषय वस्तु की परीक्षा करके निर्धारित नहीं किया जा सकता है। यानी कि देखिए कार्यशील विषय वस्तु और शिक्षण पद्धति ये क्या कहता है, ये कार्यशील विषय वस्तु और शिक्षण पद्धति में अवकाश अगर यानी कि छुट्टी पर अगर रहकर नहीं हो सकता, या फिर परीक्षण की पद्धति में विषय वस्तु को अगर जब तक हम लोग निर्धारित नहीं करते हैं तब तक हमारा जो परीक्षण होता है वैध नहीं होता है। तो यानी कि क्या कहता है, शिक्षक को विषय वस्तु को परीक्षण में शामिल करने से पूर्व इसे हल करने के लिए पूर्ण रूप से पढ़ना चाहिए। देखिए कभी कभी ये भी होता है कि अगर मान लीजिए कि अगर किसी विषय का परीक्षा हो रहा है, अगर वहाँ पर शिक्षक मौजूद नहीं है तो बहुत सारी दिक्कतें उत्पन्न होती है। तो दिक्कतें जब होगी तो क्या हो सकता है, परीक्षा वैध हो सकती है। या कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि शिक्षक के द्वारा जो प्रश्न छात्रों को प्रस्तुत किया जाता है, तो शिक्षक का ये दायित्व होता है कि पहले वो स्वयं से यानी कि उस प्रश्न को क्या करे, हल कर देखे। इनके साथ अगर किसी प्रकार की अगर समस्या उत्पन्न भी होती है तो शिक्षक उस समस्या का समाधान कर ले। ये हो गया कार्यशील विषय वस्तु शिक्षण पद्धति। तीसरा आता है प्रशिक्षण, परीक्षण प्रशासन और प्राप्तांक के कारण। इसमें क्या कहता है, परीक्षण प्रशासन और प्राप्तांक के कारण के अंतर्गत क्या कहता है, परीक्षण प्रशासन और प्राप्तांक की प्रक्रिया से निर्वचन की वैधता को प्रभावित कर सकते हैं। जैसे उदाहरण, परीक्षा में कम समय से नकल की संभावना। देखिए परीक्षण प्रशासन क्या होता है, जैसे कि देखिए यहाँ पर अगर एग्जाम हो रही है तो एग्जाम में क्या होना चाहिए, अगर जितना हम क्वेश्चन देते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग हमें समय देना चाहिए छात्रों को प्रश्नों को हल करने के लिए। अगर हम छात्रों को अगर उससे कम समय देते हैं तो उसमें क्या हो जाती है, नकल की संभावना ज़्यादा हो जाती है, और जब ज़्यादा हो जाएगी तो क्या होगा, हमारा परीक्षण वैध नहीं हो सकता है, हमारा परीक्षण वैध हो जाता है सॉरी। नेक्स्ट क्या कहता है, छात्रों के प्रतियुत्तर के कारक। छात्रों के प्रतियुत्तर के कारक से क्या होता है, परीक्षा के समय छात्रों को उत्तरों को प्रभावित करता है जिससे परीक्षक अवैध हो जाता है। देखिए यहाँ पर छात्रों का प्रतियुत्तर, यानी कि कभी कभी हम ये देखते हैं कि कोई किसी प्रकार का एग्जाम होता है, परीक्षा होता है, तो उसमें क्या हो जाता है, छात्र उस स्थिति में जो परीक्षक जो होते हैं परीक्षा देने वाले, वो क्या करते हैं, कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग कर देते हैं या कुछ ऐसा कुछ कार्य कर देते हैं जिससे क्या हो जाता है, हमारा परीक्षा प्रभाव पड़ता है, हमारा परीक्षा क्या हो जाता है, समाप्त हो जाती है, यानी कि वहीं पर वो खत्म हो जाती है, यानी कि वो पूर्ण रूप से नहीं हो पाती है। नेक्स्ट कहता है समूह और कसौटी की प्रकृति। देखिए समूह और कसौटी से प्रकृति से क्या तात्पर्य, यानी कि देखिए इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो भी परीक्षाएँ होती है जिस समूह के लिए
होती है। अगर वह समूह के अंतर्गत होता है तो वह क्या होता है, उस समूह के लिए अंतर्गत होता है तो वह उस समूह के लिए क्या होता है, वैध होता है। लेकिन अगर उसी प्रश्न को या उसी परीक्षा को अगर दूसरे समूह के अंतर्गत किया जाता है तो क्या होता है, वह अवैध होता है। सो माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोगों ने पढ़ा वैधता, वैधता का अर्थ, वैधता का परिभाषा और वैधता को प्रभावित करने वाले कारण। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।